के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिट ट्रैवलर। तो आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं जो कि बहुत कॉमन हो चुका है आजकल, इजीली अवेलेबल है हर जगह, लेकिन बहुत लोगों को उसकी यूजेस कैसे यूज करना है, कहाँ अवेलेबल है, उनके बारे में पता नहीं है। तो आज हम वही जानकारी आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो की तरफ। तो आज जो मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ ये प्रोडक्ट भी, तो ये प्रोडक्ट है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा। ये इस प्रोडक्ट का नाम है कैस्टर ऑयल, एरंडी का तेल इसे कहते हैं। बहुत लोगों को पता होगा आई थिंक, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें इसका मतलब पता नहीं और इसकी यूजेस क्या क्या हैं, इसे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हो सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको इसे कैसे प्रॉपरली यूज़ करके मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सकता है। आइए देखते हैं। मे भी हो सकता है कि बहुत जनों को पता नहीं हो कि इसको प्रॉपरली कैसे यूज़ करना है या क्या है। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे कैस्टर ऑयल की यूजेस प्रॉपरली कैसे यूज़ होता है। जिनको इनके बेनिफिट्स पता है वो बिल्कुल यूज़ करते होंगे। बहुत सारे घरों में ये पाया जाता है आजकल। जिनको नहीं पता है वो मेरा वीडियो एंड तक देखें प्लीज़, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कितना बेनिफिशियल ये हो सकता है। कैस्टर ऑयल का जो सबसे मेन बेनिफिट है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आपकी स्किन बहुत ड्राई है, मतलब ऐसे आपकी स्किन बहुत ड्राई होती है, ड्राई स्किन में रिंकल्स जो होते हैं वो जल्दी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्किन भी काफ़ी इची लगती है, अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो ड्राई स्किन की जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए, तो आप क्या करें, रात को 3-4, ये काफ़ी जो ऑयल है काफ़ी थिक होता है, मतलब आप इसे ऐसे हाथ में ला के देखेंगे तो काफ़ी ये थिक होता है। रात को सोने से पहले 3-4 ड्रॉप्स आप ऐसे हाथ में लेके पूरे फेस पे अच्छी तरह से मसाज कर सकते हैं। अच्छी तरह से मसाज करके आप सो जाइए, सुबह जैसे ही आप उठते हैं इसे नॉर्मल पानी से वॉश करिए। धीरे धीरे हफ्ते में 2-3 बार भी अगर आप यूज़ करेंगे तो आप इजीली विजिबल चेंजेस इसमें देख पाएंगे। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो जल्दी से ये आप मंगवाइए, अगर आपके घर पे नहीं है तो इजीली कहीं भी मेडिकल शॉप पे अवेलेबल हो जाएगा। मैं लिंक भी अगर है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आपको ईजी पड़ जाएगा। और जो ड्राई स्किन वाले हैं ज़रूर यूज़ करें। दूसरा जो इसका मेन यूज़ है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जैसे आपको पता है आजकल स्ट्रेस है, खाना पीना हमारा बराबर नहीं है, या बहुत सारी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती वर्कलोड की वजह से, तो उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। लेकिन इसे सिंगल यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये बहुत थिक ऑयल है, हमें इसे सिंगल यूज़ नहीं करना है। इसे हम बताऊँगा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि इसे कैसे यूज़ करते हैं, तो मेरा वीडियो देख रही। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि हमें पहले एक प्योर कैस्टर ऑयल लेना है इसे। इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा, पहले जितनी क्वांटिटी है मैंने अपने हिसाब से ली है, जितनी मैं यूज़ करता हूँ। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं एक स्पून या डेढ़ स्पून का बहुत काफ़ी, क्योंकि ये ऑयल जो है बहुत ही गाढ़ा होता है। मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊँगा कि इसे, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसे ऐसे ही यूज़ नहीं करते। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए, ये देखिए कितना आप देख सकते हैं क्लियरली कि बहुत गाढ़ा होता है ये। तो बहुत सारे लोगों को मे भी ये नॉलेज हो गया, कैस्टर ऑयल से जो हेयर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, बराबर है। लेकिन आप इसे कभी भी ऐसे देखिए ना, आप गाढ़ा है, गाढ़ा होने की वजह से इसे आप कभी भी सिंगल यूज़ नहीं करिएगा। इसके साथ बहुत सारा कोई भी बहुत सारे ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली कोकोनट ऑयल यूज़ करता हूँ, वैसे भी मैं कोकोनट ऑयल प्रेफर करता हूँ, तो मैं श्री श्री का आप देख सकते हैं कोकोनट ऑयल यूज़ करता हूँ। तो हम इसे थोड़ा ऐसे डालेंगे, अपनी क्वांटिटी के अनुसार डालिए क्योंकि ज़्यादा भी नहीं यूज़ करना है हमें, ये देखिए। तो दोनों को हम अभी इसको मिक्स करेंगे और बालों पे लगा देंगे तो ही आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप इसे अकेले लगाएंगे तो आप प्रॉपरली बेनिफिट्स इसके नहीं उठा सकते। आप इसे दोनों को मिक्स करके ही लगाइएगा।
इजीली दोनों अवेलेबल हैं। कोकोनट ऑयल तो आपको पता है हर जगह मिलता है, मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं जो यूज़ करता हूँ प्योर कोकोनट वर्जिन ऑयल ही यूज़ करता हूँ, जो काफ़ी बेनिफिट है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। और एरंडी कैस्टर ऑयल का जो तेल है वो भी हमें एकदम प्योर ही यूज़ करना है, जिसमें कोई केमिकल नहीं हो, तभी आप इसके पूरे के पूरे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो हमारा ऑयल वो रेडी हो चुका है अपने बालों में लगाने के लिए, या अपने आप हाथों पे जहाँ आपकी स्किन ड्राई है आप उसे यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो वो हमने रेडी करके रखा है, आप उसे कैस्टर ऑयल को आलमंड ऑयल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास आलमंड ऑयल भी है और कोकोनट ऑयल भी है, तो आप मैं कभी भी जैसे मुझे लगता है मैं उसके हिसाब से यूज़ कर लेता हूँ। आपको अगर पूरा बेनिफिट इसका उठाना है तो आप कभी भी इसे मिक्स करके ही यूज़ कर लिया, और अगर आपको इसको और बेनिफिशियल बनाना है तो इसे गैस के अंदर गर्म करके थोड़ी देर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली जो कैस्टर ऑयल का जो यूज़ है, एक तो ड्राई स्किन का जो आपके पास इशू है वो सॉल्व हो गया, और अगर आपका स्कैल्प इचिंग है या डैंड्रफ है या बालों की झड़ने की प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो मेनली जो टू रीजंस की वजह से ही मैं कैस्टर ऑयल प्रेफर करता हूँ, इजीली अवेलेबल है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप कहीं भी मेडिकल शॉप से ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।